हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। दोस्तों, ये चैनल जो है आपको क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आए हैं जो 2021 में अपने बोर्ड एग्जाम को देंगे इंटर के। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं जो हमारा है सॉलिड स्टेट फोर्स अवस्था। इसके सभी हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो 2021 में अपने बोर्ड एग्जाम को देंगे, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज बताया गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। बहुत कम ही चैनल वाले आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही वीडियो में बताते हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में ये दोनों एक साथ ही बताऊंगा। और अगर आपको आगे से इसी तरह की अगर क्लास 12 के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह से और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक पहुंचा दीजिएगा और इसको 100 व्यूज भी पहुंचा दीजिएगा, तो फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत जल्द ही लेके आऊंगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं और इस चैप्टर से ही है। तो सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं वो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी BCC संरचना के प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संरचना होती है, संरचना है। ए में हमारा ऑप्शन है 1, बी हमारा है ऑप्शन 2 और सी हमारा ऑप्शन है 4 और डी हमारा है ऑप्शन 6। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे, किसी BCC संरचना के प्रति एकक कोष्ठकीय परमाणु की संरचना जो है वो हमारी होती है 2। आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद ध्यान से देख लेंगे और वीडियो को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। आप इसको याद नहीं, रटने का कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में एक बार नहीं समझ में आता तो फिर से आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके माइंड में बिना रटे हुए याद आ जाए। और अगर आप इस वीडियो को एक से दो बार देखते हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तैयारी आपको इसी वीडियो से हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर था 2, किसी भी संरचना जो होती है उसके प्रति एकांक कोष्ठकीय परमाणु की संख्या जो होती है वो हमारी 2 होती है। अब आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है, किसी फलक, क्वेश्चन हमारा ध्यान से समझिएगा, किसी फलक केंद्रित घन्य जालक के एकक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सविभाजित होती है। ए में हमारा है 2, बी हमारा है 4, सी हमारा 6 और डी हमारा 8। दोस्तों, ये सब जो आपके क्वेश्चन है ये आपको पिछले ईयर में और एक दो साल में पूछे गए हैं। यही सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिए गए हैं, जो आपके 2-3 साल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब उठाए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 6, सी नंबर। क्या होगा? 6 नंबर। किसी फलक केंद्रित जो होता है हमारा घन्य जालक में एकक कोष्ठिका जो है 6 फलकों द्वारा समान रूप से सब विभाजित रहते हैं। अब हम लोग अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो थर्ड नंबर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्याशित करने वाले कण होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सहसंयोजक ठोस जो होता है हमारा सहसंयोजक ठोस उसके जालक बिंदु को अध्याशित करने वाले कण होते हैं। ए में हमारा है परमाणु, बी हमारा है आयरन आयनस, सी हमारा अणु और डी हमारा है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे, सहसंयोजक जो ठोस होता है उसके जालक बिंदु को अध्याशित करने के वाले जो कण होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसको अध्याशित करने वाले जो कण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परमाणु। संयोजक ठोस जो होते हैं उसके जालक बिंदु को अध्याशित करने वाले कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं। अब हमने फोर नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये 2017 में आपसे पूछा गया है, इसलिए 2021 में भी आपसे पूछने की चांस ज्यादा है। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ए में हमारा है हीरा, बी हमारा है ग्रेफाइट, सी हमारा है कांच और डी हमारा साधारण नमक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कांच। कांच जो है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अब हमने फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणु क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ए में हमारा है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, बी हमारा है सुस्पष्ट द्रव्यमान, सी हमारा है निश्चित ज्यामितीय आकृति और डी हमारा है उच्च अंतरणविक बल।
क्वेश्चन हम लोगों का है, कौन सा गुण जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसको हम लोग नॉन क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के नहीं है, इसमें से कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ए नंबर, क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण, इसके जो अस्पष्ट पदार्थ के गुण नहीं है, मानव सुस्पष्ट द्रव्यमान, नियमित ज्यामिति, आकृतिक, उच्च आंतरिक बल, ये सभी जो है हम लोगों का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण है। अब हम लोग अपने सिक्स नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा है, मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या होती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या क्या होती है। ए में हमारा है 4, बी हमारा 7, सी हमारा 14 और डी हमारा है 8। क्वेश्चन हमारा है मूल क्रिस्टल में तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या 7 होती है, कितनी होती है 7। मूल तो क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं, इसमें तंत्रों की संख्या 7 होती है। अब हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, घनाकार क्रिस्टल में बेबस जालकों की संख्या होती है। क्वेश्चन हमारा है घनाकार क्रिस्टल में बेबस जालकों की संख्या होती है। ए में हमारा है 3, बी हमारा 1, सी हमारा 4 और डी हमारा है 14। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए नंबर, घनाकार क्रिस्टल जो होते हैं उसमें बेबसों के जालकों की संख्या जो होती है वो हमारी 3 होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, NaCl सोडियम होता है उसके क्रिस्टल की संरचना होती है। ए में हमारा है पिंड केंद्रित, बी हमारा है फलक केंद्रित, सी हमारा है अष्टफलक और डी हमारा है वर्गीय फलक। तो NaCl जो क्रिस्टल होती है इसकी संरचना जो होती है वो आपकी फलक केंद्रित होती है। कैसी होती है, फलक केंद्रित। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वह होती है फलक केंद्रित। अब हम लोग अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार के क्रिस्टल में बेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। बेबस जालिका में किस धातु, किस प्रकार के क्रिस्टल में जो होती है वो हमारा बेबस जालिका जो होती है उसकी जो है संख्या सबसे अधिक होती है। ए में हमारा है घनाकार, बी में हमारा ट्राइक्लिनिक, सी भी हमारा आर्थो रोम्बिक और डी हमारा टेट्रागोनल। तो इसका आंसर होगा आर्थोरोम्बिक, क्या होगा आर्थोरोम्बिक। क्रिस्टल को जो बेवरेज जालों की संख्या जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है, आर्थोरोम्बिक। अब हम लोग अपने 10th नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है, पिंड केंद्रित, जो पिंड केंद्रित घनाकार होते हैं उसके इकाई सेल में, उसके एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ए में हमारा 2, बी हमारा है 3, सी है हमारा 4 और डी हमारा है 12। तो इसका आंसर होगा 2। पिंड केंद्रित जो घनाकार इकाई सेल होते हैं उसकी जो होती है परमाणु संख्या वो होती है हमारे 2। कितनी होती है, 2। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल के परमाणु की संख्या 2 होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे 2 होती है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या। अब आपके सामने 11th नंबर क्वेश्चन है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है। क्वेश्चन हमारा है घनाकार जो संरचना होती है उसमें पिंड केंद्रित, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा वो आपके सामने है 4, 6, 8, 9। पिंड केंद्रित जो घनाकार संरचना होती है उसमें परमाणु समन्वय की संख्या 8 होती है। कितनी, पिंड केंद्रित जो घनाकार संरचना होती है उसमें 8 वो जो है पिंड केंद्रित परमाणु समन्वय संख्या होती है। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। सोडियम जो होती है उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। इसका जो आंसर होगा आपको ये 2012 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की किया और जनरेशन की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा 8। कितनी होती है, 8। जो सोडियम में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर की जो संख्या होती है वो हमारी 8 होती है। अब लोग हमने 13 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। धातु की तरह जो है धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण होती है उसको कौन दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा CrO2। क्या होगा, CrO2 जो है ऑक्साइड धातु के विद्युतीय गुण में दर्शाता है।
अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हुआ है, उष्मा और विद्युत अच्छा चालक है। ए में हमारा एथ्रासाइट कोक, बी हमारा हीरा, सी हमारा ग्रेफाइट और डी हमारा चालक चारकोल। तो उष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो हमारा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ग्रेफाइट होता है। तो दोस्तों ये आपकी जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी। हम लोग जो है अभी जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा, जो आप लोग समझे सुने भी होंगे। हीरा के एक यूनिट सेल में कितने परमाणु की संख्या होती है? हीरा जो होती है उसके एक यूनिट सेल में कितने परमाणु की संख्या होती है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देने नहीं भूलेंगे कि हीरा का एक यूनिट में कितने परमाणु होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको हम तैयारी के लिए दिए हैं कि मैं आपकी तैयारी को जान सकूं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले कि आपको जो है इसमें कौन से पेपर अच्छी लगी और इसमें कौन सी बातें अच्छा लगा, और इस क्वेश्चन का आंसर देना जो है आप लोग नहीं भूलेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप सभी स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे क्योंकि मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देख सकूं। तो अब हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पहले हम लोग शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सिर्फ आपको हम जो है क्वेश्चन बता देता हूं, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपका इसका आंसर लेके आ जाऊं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला है केमिस्ट्री चैप्टर वन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है? इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ में अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। साथ में हमारे साथ रेगुलर बने रहे। तो हम लोग इसका सबसे पहला देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो है स्कूटी दोष और फ्रैंकलिन दोष में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपको दो नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन दो नंबर में स्कूटी दोष और फ्रैंकलिन दोष में क्या अंतर है, आपको दो दो लाइन दोनों के बारे में लिख देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। सेकेंड हमारा है निम्नलिखित की परिभाषा करें, जिसमें है स्कूटी दोष जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, उसके सेकेंड हमारा फ्रैंकलिन दोष जो यहाँ भी दिख रहा होगा, उसके बाद हमारा एन टाइप अर्धचालक और है चौथा जो हमारा पी टाइप अर्धचालक। दो टाइप का अर्धचालक है, एन टाइप और पी टाइप। और जो थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एस सी पी और FCC से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं चाहिए अगर आप तैयार कर सकते तो अपने से तैयार कर लेंगे कि एग्जाम जो है 2023 में इससे क्वेश्चन रहेंगे आपको इस चैप्टर से इसी में से। चौथा है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में वर्णन करें। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में वर्णन करें, यह आपका चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो 2009 में पूछा गया था वह है बिंदु दोष को परिभाषित करें और ठोस रवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में लिखने के लिए। उसके बाद हमारा इकाई सेल क्या है वर्णन करें, पूरा इकाई सेल का आपको वर्णन करना होगा। उसके बाद आयनिक क्रिस्टल के प्रमुख गुणों का वर्णन करें। चौथा है क्रिस्टल और क्रिस्टल पदार्थों में अंतर लिखे। तो ये सब आपका 5 नंबर में क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आपके कोई दोस्त 2012 में इंटर के एग्जाम देंगे तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ में इस वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो सभी आपके इस क्लास को ज्वाइन कर सके और आपकी तैयारी को जान सके और सब स्टूडेंट के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।